जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अहमद है और मैं तिलमलगिरी से आया हूँ। तो मेरे मम्मी को कोविड हुआ था और उनका सैचुरेशन भी कम ही था, तो उस टाइम पे मैंने इंदिरा मैडम से कंसल्ट किया है। तो इंदिरा मैडम ने तो अपॉइंटमेंट दिया था, तो यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद उनको एडमिट किया है यहाँ पे। वो टाइम पे सिचुएशन, मम्मी को ज़्यादा ऑक्सीजन का कमी था तो ज़्यादा सांस ले रहे थे, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम इश्यूज आ रहा था उस टाइम पे। वो टाइम पे आने के बाद नॉर्मली जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो मैंने पूरा फुलफ़िल किया है। करने के बाद फिर उनको हॉस्पिटल यहाँ पे एडमिट किया आईसीयू में। आईसीयू में एडमिट करने के बाद नॉर्मल ट्रीटमेंट चला, ऑक्सीजन लगा, फिर उसके बाद उनको प्लाज्मा लगाया, प्लाज्मा थेरेपी चला। प्लाज्मा थेरेपी के बाद वही नॉर्मली स्लोली स्लोली ज़रा टाइम लगा रिकवर होने के लिए, मगर रिकवर हो गया। ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे जो जीवन सर है, जीवन सर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट किए हैं, और यहाँ पे जो नर्सेस हैं, नर्सेस भी बहुत अच्छा कॉपरेट किए हैं, और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो, यहाँ का मैनेजमेंट हो, बहुत ही अच्छा सपोर्ट किए हैं। खाना तो मम्मी को मैंने पूछा था, मम्मी को यहाँ का तो टेस्ट लगा था। इवन मुझे यहाँ पे जीवन सर ने अलाउ भी किया था घर से भी खाना मैं लेके, क्योंकि मम्मी को टेस्ट नहीं आ रहा, तो कभी कभी उनको घर से भी लेके आ रहा था, तो जीवन सर मुझे परमिशन दिए थे। तो इवन घर का फूड भी हमने खिलाया है मम्मी को, प्लस हॉस्पिटल का फूड भी मम्मी अच्छा ही है बोल के बताया। यहाँ पे जो मैनेजमेंट भी है और डॉक्टर्स भी है बहुत सपोर्टिव थे, और कभी हमें किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं किए, और हमेशा सपोर्ट किए हर चीज़ के लिए। जो भी अपडेट था टाइम टू टाइम मिला है हमें, और कभी भी कुछ भी इशू आया नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद ही अभी मम्मी अच्छा रिकवर हो रहे हैं, और कभी भी रिकवर होने के बाद भी मैं आता हूँ हॉस्पिटल को, जीवन सर से मिलता भी हूँ, तो जीवन सर हमेशा सपोर्ट करते हैं, जो भी मेडिकेशंस रहता है वो देते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं इससे पहले यहाँ पे लेके आने से पहले काफ़ी हॉस्पिटल्स में मम्मी को लेके फिरा था, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग लिए नहीं है मम्मी को, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम था, तो कोई भी ले नहीं रहा था। तो यहाँ से लगभग मैंने सभी हॉस्पिटल कॉल किया, सबको अपॉइंटमेंट लिया, इवन यहाँ पे हॉस्पिटल भी ले लेके गया, वहाँ पे सैचुरेशन देख के उनको ना नहीं लेंगे बोल के बताया। फिर बाद में से इंदिरा मैडम ने वो लिए, फिर उसके बाद डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, अभी ठीक है। अभी ट्रीटमेंट के बाद भी अच्छा है। अभी जैसे कि ये पोस्ट कोविड में थोड़ा वीकनेस रहता है, जैसे सर ने बताया है, तो लगभग 3 से 6 महीना पोस्ट कोविड में थोड़ा थोड़ा वीकनेस रहता है। अभी तो नॉर्मली मम्मी अच्छे ही हैं, थोड़ा वीकनेस है, बाकी का सब ठीक है। यहाँ पे जब मैं न्यू लाइफलाइन मेडिकेयर हॉस्पिटल जब आया था, तो मुझे स्टार्टिंग में जब मैं आया था, मुझे थोड़ा होप कम था मम्मी का क्या होगा, क्योंकि मम्मी का सिचुएशन देख के मैं भी डर गया था एक्चुअली होगा क्या। फिर उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आया, जैसे ही यहाँ पे डॉक्टर जो देखे ट्रीटमेंट किए हैं, यहाँ तक इवन डॉक्टर से लेके नर्सेस, इवन आयमा जो भी रहते हैं, आयमा लोग भी बहुत सपोर्ट किए हैं, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो भी बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ पे आने के बाद जो मेरे इसमें एक जो एक होप था मम्मी को बचा पाऊँगा या नहीं बचा पाऊँगा, यहाँ पे आने के बाद ही मम्मी अभी बचे हैं, लाइफ सेव हुआ है। और यहाँ पे कितना भी मैं सबको थैंक करूँगा, थैंक यू बोलूँगा, पर वो कम ही होगा, क्योंकि ये लोग के वजह से मम्मी आज सेफ है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट सिर्फ एक का नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट हर एक मैनेजमेंट का है, इवन एक सिक्योरिटी गार्ड से लेके हायर अथॉरिटी तक सभी लोग का अच्छा सपोर्ट मिला है, और अच्छा गाइड मिला है, और टाइम टू टाइम मुझे अपडेट मिला है। थैंक यू।